नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। जनपद हापुड़ में रोजाना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिस क्षेत्र में पॉजिटिव केस मिलता है उस एरिए को सील करके हॉटस्पॉट जोन घोषित कर दिया जाता है। हॉटस्पॉट एरिया में आवाजाही तक प्रतिबंध रहती है, मगर हापुड़ शहर के हॉटस्पॉट जोन में लगातार व्यापारिक गतिविधियाँ जारी हैं। आज हापुड़ शहर के हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण हापुड़ SDM सत्यप्रकाश, कोतवाली प्रभारी सुबोध सक्सेना जी के साथ जिला मजिस्ट्रेट ने किया। गोल मार्केट, सर्राफा बाजार, पाटिया मंडी, चंडी रोड, इन सभी जगहों पर जो दुकानें खुली मिली उन सभी पर सख्ती करते हुए चालान किए गए। जैसे कि अभी हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण किया गया है, उसमें कैसी स्थिति पाई गई है? आज निरीक्षण किया गया, कुछ लोग जो बिना मास्क के घूम रहे थे उनके चालान काटे गए हैं और जो लोग कुछ दुकान भी खोले थे उनको उनके खिलाफ भी जो है FIR और जो है बंद करने की सख्ताई की गई है। किसी भी दशा में कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलने दी जाएंगी, यदि कोई खोलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंटेनमेंट में जैसे कि SDM सत्यप्रकाश जी द्वारा बताया गया है कि कंटेनमेंट में कोई भी दुकानें नहीं खोले दी जाएंगी और उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। जैसे कि अभी सत्यप्रकाश जी द्वारा चालान भी किए गए हैं और जो हॉटस्पॉट जोन में दुकान खोल के बैठे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की गई है। कैमरा पर्सन रोहित मेहता के साथ सुशील शर्मा, हापुड़ हलचल। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।